गर्मियों के मौसम में बच्चे हो या बड़े, सभी को ठंडा ठंडा पीना बहुत ही अच्छा लगता है। पर मार्केट से जो भी हम शरबत लेकर के आते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डाला हुआ होता है जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको फ्रेश गुलाब का इस्तेमाल करके गुलाब का शरबत बनाना बताऊंगी, जिसे आप एक बार बना करके रख देंगे तो पूरी गर्मियों में इसका आनंद ले पाएंगे। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने 100 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियाँ ली है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। गुलाब खरीदते समय आप ध्यान रखें कि हमेशा देसी गुलाब खरीदें, क्योंकि इस तरह के होते हैं देसी गुलाब। देखिए, देसी गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आजकल मार्केट में हाइब्रिड गुलाब भी मिल रहे हैं जिसकी खुशबू नहीं होती है, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। पर हमारे को वो वाले गुलाब नहीं खरीदना है, हमारे को अच्छे खुशबू वाले गुलाब खरीदना है, उसको देसी गुलाब बोलते हैं। इस तरह के गुलाब लेकर के आप इनकी पंखुड़ियाँ इस तरह से अलग कर लें, इजीली अलग हो जाती हैं। और जो डंठल होता है इसको आप निकाल लें। ये गुलाब थोड़ा मार्केट में सस्ते भी मिल जाते हैं, टूटी हुई पत्तियाँ होती है तो सस्ती मिलती है। इस तरह से हमने सभी पंखुड़ियों में से कचरे को साफ कर लिया है, अब एकदम से क्लीन हो गई सभी पंखुड़ियाँ। पर इसको एक बार हम धो लेते हैं, धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके और मिट्टी वगैरह रो कचरा होगा सब निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है, उसमें पंखुड़ियों को डाल देते हैं और बहुत ही सॉफ्टली हमें धोना है इसको। ये पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती है। इस तरह से हमने सभी पकौड़ियों को धो लिया है, अभी इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही हल्की होती है तो ऊपर ऊपर ही तिरती रहती है, दूसरे बाउल में इसे डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सभी गंदगी और गुलाब के बीच इसके नीचे बैठ गए हैं, गुलाब हमारे अच्छे साफ हो गए हैं। यदि ज़्यादा गंदगी हो आपके गुलाब के पत्तियों में तो 2-3 बार आप धो सकते हैं। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम 2 कप जितना पानी डाल देंगे। 2 कप पानी यानी 500 ml पानी है ये, और गैस को चालू कर देंगे। 100 ग्राम गुलाब के पकौड़े लेते हैं तो उसमें आपको 500 ग्राम पानी डालना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी हिसाब से आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वही रेसिपी आप फॉलो करें। अभी हमारा पानी गर्म हो गया है तो इसके अंदर ये रोज़ की पेटल्स को डाल देते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी देर में सारा कलर है वो पानी के अंदर चला जाएगा। इस तरह से हल्का हल्का दबा लें इसको, धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं इसका कलर देखिए चेंज होने लग गया, सब कलर इस पानी के अंदर आने लग गए हैं। थोड़ी देर में पानी अच्छा गुलाबी दिखने लग जाएगा और गुलाब का फ्लेवर भी पूरा पानी में आ जाएगा। आँच को थोड़ा मीडियम कर लेते हैं, मीडियम आँच में इसे थोड़ा पका लेंगे। ये गुलाब का शरबत बहुत अलग अलग तरह से बनाकर तैयार किया जाता है। कभी कभी पंखुड़ियों को पीस करके चाशनी में डाल करके भी बनाया जाता है, और कभी कभी इस तरह से उबाल करके भी बनाया जाता है। उबाल के बनाते हैं तो इसमें पीसने का झंझट नहीं है, आराम से इसका कलर देखिए पूरा पानी के अंदर आ गया, देखिए और पकौड़िया देखिए वाइट दिखने लग गई है। हमने इसे 5 मिनट तक पकाया है, 5 मिनट के अंदर आराम से पक के तैयार हो जाती है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको छान करके इसका पानी हम अलग कर लेते हैं। आप इस तरह से कोई भी जाली ले लें या छलनी ले लें कोई भी, उसके अंदर आराम से आप छान सकते हैं। देखिए आप कितना सुंदर कलर आ गया, देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा कलर, और ये पकौड़िया देख के लगभग वाइट हो चुकी है। वैसे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, पर यदि आपको मार्केट जैसा ही बना के तैयार करना है तो उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालना पड़ता है। पर आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में यदि बीटरूट हो तो आप बीटरूट का ये छोटा सा पीस ले लें, मैंने आधा बीटरूट लिया है, इसमें आपको नेचुरली ये अच्छा कलर आ जाएगा इसका। तो बीटरूट को हम इस तरह से काट करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये मैंने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है जिसमें आराम से अच्छा पीस करके तैयार हो जाएगा, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देते हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छा पीस के तैयार हुआ और कलर कितना सुंदर आया। देखिए इस तरह का आप पीस करके डालेंगे, इसका फ्लेवर कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, पर कलर बहुत अच्छा आएगा। ये डालने का फायदा ये होगा कि आपको फूड कलर ऐड नहीं करना पड़ेगा। अभी इस बीटरूट को छान करके इसमें डाल देते हैं, बीटरूट का जो कचरा होगा वो ऊपर निकल जाएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपके हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यदि अच्छी नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप कमेंट ज़रूर किया करें जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। इस तरह से हमने पूरा छान लिया है, अभी आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर हो गया। देखिए इसमें कोई हमने कलर नहीं डाला है, हल्का सा बीटरूट डालते ही अच्छा कलर आ गया इसका। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और एक मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर 2 कप जितना शक्कर डाल देते हैं। मैं यहाँ पर शक्कर ले रही हूँ, आप इसकी जगह पे मिश्री भी ले सकते हैं, मिश्री भी आपको पीसने के बाद में 2 कप जितनी लेनी है। और यदि आपको गुड़ पसंद हो तो गुड़ भी ले सकते हैं,
पर गुड़ डालने से शरबत का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और टेस्ट में भी थोड़ा अलग लगेगा। वो आपकी पसंद पे आप गुड़ भी ले सकते हैं। मैं शरबत में ज़्यादातर गुड़ लेना अवॉइड करती हूँ। अभी जो हमने रोज़ का जूस निकाल के रखा है इसको इसमें डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं और शक्कर को बराबर चलाते रहेंगे। शक्कर नीचे चिपक नहीं चाहिए। तो आप देख पा रहे कलर कितना सुंदर लग रहा है इसका। हमने इसमें कुछ भी फूड कलर नहीं डाला है, नेचुरली बना करके तैयार किया है, फिर भी कलर कितना सुंदर आया है इसका। बीटरूट डालने से इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और मार्केट से कई गुना अच्छा हाइजीनिक बन करके तैयार होता है। जब तक शक्कर इसमें पूरी नहीं गल जाती है तब तक थोड़ी थोड़ी देर समय से चलाते रहेंगे, इस शक्कर नीचे चिपके नहीं। इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ पर मैं आपको फिर बता देती हूँ, इसके लिए कभी भी आप गुलाब के फूल लें तो देसी गुलाब के फूल लें, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मार्केट में जो बुके वगैरह मिलते हैं वो वाले फूल मिलते हैं तो उसके अंदर खुशबू नहीं होती है, वो दिखने में अच्छे लगते हैं पर क्या है उसका शरबत अच्छा नहीं बनेगा। धीरे धीरे शक्कर अच्छे से पिघल गई है, इसके अंदर उबाल भी आ गया है। आँच को अभी हम मध्यम कर लेंगे, मध्यम आँच में इसे और पकाएंगे। इसके लिए हमें कोई तार वार नहीं देखना है, इसे कितना पका कर तैयार करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी शरबत को पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से हाथ में ले करके थोड़ा सा देखें आप, इस तरह हाथ में जब चिपचिपा लगने लगे, इस चाशनी के तार नहीं बन रहा कोई, देखो पर चिपचिपा लग रहा है, इस तरह की चाशनी हमें बना करके तैयार करनी है। तो ये 7 से 8 मिनट बन करके तैयार हो जाता है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में हमें इसमें 2 टेबल स्पून जितना गुलाब जल डालना है। गैस बंद करने के बाद में डाला आप कभी भी गुलाब जल। और 1 नींबू का रस लिया मैंने। रस डालने का रीज़न ये होता है कि हमारे जो शरबत के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि शक्कर क्रिस्टलाइज हो जाती है, ये डालने से शक्कर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो नींबू का रस आपके पास नहीं हो तो इसकी जगह पे आप नींबू का सत भी डाल सकते हैं, या नींबू का फूल जिसे लोग बोलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपकी शक्कर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। नींबू का रस जब भी आप डालें गैस बंद करने के बाद में डालें। अभी इसे हम ठंडा करके एक साफ़ सुथरी बॉटल में निकाल देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बॉटल के अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, बॉटल एकदम साफ होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं बॉटल हमारी एकदम साफ़ है, तो आप कांच की बॉटल में निकाल सकते हैं, नहीं तो फूड ग्रेड प्लास्टिक की बॉटल होती है उसमें भी आप निकाल सकते हैं। ये हमने कांच की बॉटल ली है, इसको पूरी तरह से ठंडा कर दिया है। ठंडा करने के बाद में इसे आराम से आप इसके अंदर भर सकेंगे। आप देख पा रहे हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, और नेचुरली बना करके तैयार करते हैं जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है। इस तरह से ढक्कन लगा करके आप इसे फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो ये महीना भर भी ख़राब नहीं होगा, और फ्रिज के अंदर रखेंगे तो पूरी गर्मी में आप इसका आनंद ले पाएंगे। पर सच मानिए ये शरबत इतना स्वादिष्ट बन के तैयार होता है, इतना शरबत जो हमने बनाया है वो सप्ते भर में भी ख़त्म हो जाता है। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा बनाना हो तो जो प्रोपोर्शन मैंने बताया उस प्रोपोर्शन को आप दुगना या तिगना करके ज़्यादा बना करके भी रख सकते हैं। ऐसे शरबत को आप चाहे तो सिंपल तरीके से पानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं मेरे घर में ज़्यादातर 2 तरीके से सर्व करती हूँ। कभी मैं पानी के साथ भी सर्व करती हूँ और ज़्यादातर मैं दूध के साथ सर्व करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सभी बच्चों को दूध के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। दूध के साथ या पानी के साथ जब भी आप सर्व करें तो उसके अंदर थोड़ा सा सब्जा डाल करके, थोड़ी गुलाब की पकौड़ी आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो नहीं डालने से चलेगा, पर इसके अंदर बर्फ़ डाल के सर्व करें जिससे पीने में ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी आपके घर में इस शरबत की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।